हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है यूपी ट्रिपल सी पेट 2022 दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को होने वाला है। और दोस्तों, एडमिट कार्ड भी आ गया है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और अपना एग्ज़ाम सेंटर पता कर लिया होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को पेट का डिटेल सिलेबस चर्चा करने वाला हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सिलेबस से संबंधित सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको कैसे पढ़ना है इन 15 दिनों में, जिससे कि आप अपना स्कोर 80 प्लस कर पाएं। दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आपको सिलेबस डिटेल से बताता हूँ। दोस्तों, इसमें जो पहला सब्जेक्ट है आपका इंडियन हिस्ट्री है। दोस्तों, इसके आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके जो टॉपिक दिए गए हैं, सिंधु घाटी, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्ष वंश और राजपूत काल और सल्तनत, मुगल साम्राज्य और मराठा। दोस्तों, आपके 5 नंबर के आने वाले इन्हीं सब टॉपिक। दोस्तों, जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है वो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, आपके राष्ट्रीय आंदोलन है। जो भी आज़ादी को लेके आंदोलन किए गए थे, वो सारे आंदोलन आने वाले हैं, जैसे कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो महात्मा गांधी और भी जो राजनेताओं से संबंधित हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो पेट का एग्ज़ाम है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आने वाला है, सब ईजी आएगा। बस आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और दोस्तों, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका ज्योग्राफी है। दोस्तों, जो ज्योग्राफी आएगा वो इंडियन से संबंधित आएगा, भारत की भूगोल से संबंधित आएगा। दोस्तों, इससे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों, जो नेक्स्ट है वो आपका इंडियन इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 91 तक। और दोस्तों, योजनाएं आएंगी, पंचवर्षीय योजनाएं और जो आपकी हरित क्रांति हुई थी। दोस्तों, आपको बैंक से संबंधित, बैंक का कब राष्ट्रीयकरण हुआ, कब कौन सा क्रांति चलाई गई है, दोस्तों इससे आपके प्रश्न बनेंगे और ये 5 नंबर के हैं। और दोस्तों, जो 5वां है आपका जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, भारत के संविधान और अनुच्छेद से संबंधित, जो आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। और दोस्तों, आपका जनरल साइंस आएगी, इजी बिल्कुल आएगी, 5 नंबर की आएगी। दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका मैथमेटिक है, प्रारंभिक अंकगणित है। दोस्तों, इसमें ये नॉर्मल से टॉपिक दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लीजिए और ये आपके 5 नंबर की आने वाली है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो हिंदी है, आपकी हिंदी भी 5 नंबर की आने वाली है, आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची और वाक्यों के एक शब्द, लिंग और मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 5 नंबर के आएंगे। और दोस्तों, नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका जनरल इंग्लिश है, इसमें आपका जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, 5 नंबर के। और दोस्तों, आपका रीजनिंग रहेगा वो आपकी 5 नंबर की रहेगी। दोस्तों, इसमें टॉपिक दिए गए हैं संबंध, समूह में भिन्न को अलग करना और कैलेंडर, घड़ी और कारण और प्रभाव, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट है वो आपका करंट अफेयर। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे करंट अफेयर का काफ़ी वेटेज है, आपकी 10 नंबर की करंट अफेयर आएगी। और दोस्तों, जो आपकी जनरल अवेयरनेस है वो भी आपकी 10 नंबर की आएगी। दोस्तों, इसमें आपके जो पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लंबा, ऊंचा, छोटा, बड़ा, देश की राजधानी और देश विदेश में जो मुख्यालय हैं और किताबों से संबंधित। दोस्तों, जो लूसेंट में विविध करके होता है वो आप पढ़ लीजिए, उससे आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन बन जाएंगे। और दोस्तों, आपका जो लास्ट में 13, 14, 15 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आपके काफ़ी नंबर स्कोर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इसमें आपका जो हिंदी का एक अपठित गद्यांश आएगा, आपका अनसीन पैसेज आएगा 10 नंबर का। और दोस्तों, आपका एक ग्राफ से संबंधित आएगा 10 नंबर का। और दोस्तों, आपका तालिका व्याख्यान विश्लेषण आएगा, वो आपका 10 नंबर का। दोस्तों, आपका जो 15 नंबर का है वो रीजनिंग से संबंधित, टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका 14 नंबर में वो आपका मैथ से। दोस्तों, आपको चार्ट दे दिया जाएगा, इस वर्ष में उस वर्ष में कितना परसेंटेज बढ़ा, कितना घटा। दोस्तों, जो आपका स्कोरिंग है वो आपकी ये 30 नंबर स्कोरिंग करेंगे, और आपके जो करंट अफेयर है और आपकी जनरल नॉलेज। दोस्तों, मैंने आपको सिलेबस डिटेल से बता दिया है, इसको एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कैसे लाएंगे और इसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा।
दोस्तों इसमें जो सेफ स्कोर है वो आपका 70 से 80 नंबर होना चाहिए रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन नहीं, रॉ मार्क्स होंगे आपके 70 और 80 के बीच में, आप किसी भी वैकेंसी में बैठ सकते हैं। दोस्तों आपको 70 से 80 नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, आपको पढ़ाई कैसे करनी होगी, सबसे पहले आपको जो लूसेंट की बुक होती है वो आपको पढ़ लेनी है। आपने पढ़ भी ली होगी, आप काफ़ी टाइम उसको पढ़ चुके होंगे। दोस्तों आपको रिवीजन करना है, अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपने पहले जो पढ़ा है आपको वही बस रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बस प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस से डेली एक मारना है कैसे भी करके, और उसका आपको डिटेल भी देखना है। आपको 2 घंटे प्रैक्टिस सेट मारने में लगेंगे, उसके बाद आप उसका 1 घंटे एनालिसिस करेंगे कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं और क्यों गलत किए हैं, आपकी जो माइनर मिस्टेक है वो कैसे हो रही है, आप उसमें इम्प्रूव करने का काम करेंगे। और दोस्तों आप लोग करंट अफेयर कितने मंथ का तैयार करके जाएंगे, दोस्तों आपको पिछले 8 महीने का कम से कम पिछले 8 महीने का करंट पूरा कंप्लीट करके जाना है, आपको पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें करंट का काफ़ी वेटेज है। आपको करंट से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे और करंट के जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी आते हैं अगर आपने पढ़े हैं। और दोस्तों जो नेक्स्ट वेटेज है सबसे ज़्यादा वो है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के लिए आपको लूसेंट में जो विविध करके होता है, मिसलेनियस होता है, वो आपको पढ़ लेना है, उसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जनरल अवेयरनेस से संबंधित। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ कम आती है और उनको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आती है, उनको टाइम ज़्यादा लगता है। दोस्तों आपको ज़्यादा टॉपिक्स तैयार नहीं करने हैं, आपको मुश्किल से 4-5 टॉपिक तैयार कर लेने हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और वर्क एंड टाइम और एवरेज। और दोस्तों आपको सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ लेना है, ये आप तैयार कर लेंगे तो आपका जो ग्राफ आता है, पाई चार्ट, बार चार्ट आता है, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, उसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कैलकुलेशन से संबंधित। और दोस्तों आपको हिंदी भी पढ़ लेनी है, हिंदी से भी आपका काफ़ी वेटेज है, 10 नंबर का आप फटी आएगा और 5 नंबर का ये, आपके टोटल 15 नंबर का हिंदी का वेटेज है, आपका रीजनिंग का टोटल 15 नंबर का है, आपका 5 नंबर का रीजनिंग इधर आएगा और 10 नंबर का वो आएगा एक आपको विश्लेषण करने के लिए, और मैथ का भी 15 का वेटेज है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर डेली टॉप 20 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाऊँगा जब तक कि पेट का एग्जाम नहीं हो जाता है। डेली आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं पेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उन्हीं से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन लाऊंगा वो पूर्णतः एनालिसिस करने के बाद लाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग सीरीज को देखिएगा, डेली आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग उसको सपोर्ट कीजिएगा। और दोस्तों मुझे आशा है कि आपके सिलेबस से संबंधित और आप कैसे स्कोर करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।